हाँ, हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और अभी से अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दिए होंगे। क्योंकि बेटा बताएं कि समय रहते हुए अगर आप तैयारी करना शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। इसके लिए हमने एक योजना बनाई। योजना यह है कि आप सभी लोग जितने इस चैनल से जुड़े हो कैसे तैयारी करोगे इसको बता दें कि पहले आप 60 क्वेश्चंस तैयार करें, ठीक है। 60 क्वेश्चन में एक ही दिन सब नहीं तैयार करना, केवल दो दो क्वेश्चन, वही पाठक की प्लानिंग है। आपको हर दिन हम दो दो क्वेश्चन 60 तैयार करने के दे रहे हैं। अगर इस प्रकार से छोटे छोटे कार्य अगर आप अच्छे ढंग से पूरा कर लेंगे तो बड़े कार्य भी अपने आप हो जाएंगे। यानी छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आपको तैयार हो जाते हैं तो बड़े क्वेश्चन बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। बहुत लंबा लिखना भी नहीं है। 60 क्वेश्चन 3 लाइन से लेकर 5 लाइन के बीच होना चाहिए और एक ही पेज पर। ऊपर आप लिखेंगे एक क्वेश्चन, फिर बीच में 3 लाइन छोड़ देंगे और फिर दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। इस पैटर्न पर आपको लिखना होगा, ठीक है। और जितना बताएं यह आप याद करके कम से कम अपनी बोर्ड वाली कॉपी पर 3 बार लिख रहे हैं तो आपके दिमाग में माइंड मेकअप हो जाएगा कि हम कैसे अपने प्रश्न का उत्तर देंगे, ठीक है। इसके लिए देखिए बेटा, आज हम दो क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, दो क्वेश्चन पीछे हम बता चुके, आज क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है बेटा पहला पार्ट, द लास्ट स्टेशन अल्फांस डाउट, ठीक है। क्वेश्चन है कि व्हाट डज एम हैमेल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंट। एम हैमेल भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहते हैं। अथवा दूसरा क्वेश्चन आएगा, व्हाट मैसेज डज द टीचर वांट टू कन्वे इन दिस लास्ट लेसन। यानी कि इस लास्ट लेसन नामक पाठ में नवड़ा अध्यापक महोदय क्या समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, बहुत 2 पॉइंट 3 पॉइंट आपको दिमाग में रखना पड़ता होगा। देखिए, लैंग्वेज लिखने का तरीका यह है कि पाठ का नाम, लेखक का नाम आपका अवसरण से कॉपी पे। तो इन द ओपिनियन ऑफ द टीचर नेम्ड एम हैमेल, यहाँ पाठ का नाम लेखक का नाम जोड़ते नहीं है, एम हैमेल की बात हो रही है, सीधे सीधे अध्यापक जो है। तो आप इसमें पाठ का नाम, लेखक का नाम न लिखें तब भी आपका जवाब सही होगा। इन द ओपिनियन ऑफ द टीचर नेम्ड एम हैमेल, इफ द पीपुल ऑफ ए कंट्री आर इनस्लेव्ड, यदि किसी राष्ट्र के लोग गुलाम बन जाते हैं तो दे शुड होल्ड देयर लैंग्वेज फास्ट, उन्हें अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहना चाहिए। इफ दे डू सो तो दे विल बी एबल टू हैव द की ऑफ द लॉक टू देयर प्रिजन। यानी कि यह आपको पॉइंट इतने जहां जहां अंडरलाइन है यह दिमाग पर रखो तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन का जवाब लिख लोगे। अरे भाई, अब इंटर्न पढ़ते हो तो लैंग्वेज तो बनाना जानते ही हो, रटना नहीं बेटा। केवल 4 पॉइंट देखो, एम हैमेल की राय है, गुलाम बन जाते हैं लोग तो उनके भाषा को मजबूती से पकड़े रहना चाहिए, तो उनके पास उनके कैद के ताले की क्या होगी, चाबी होगी। बस जवाब हो गया, इतना पॉइंट आपको दिमाग में रखना बस, ठीक है। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर ऐसे लिख रहे हैं, क्वेश्चन आंसर जैसे बोल रहे हैं। कुछ लड़के लिख के कमेंट भेज रहे हैं कि क्या क्वेश्चन लिखना जरूरी है। नहीं जरूरी है ना लिखना, लेकिन यह एक पाठक स्टाइल बेटा। हम गुड बेटर बेस्ट में बेस्ट पोर्शन जो है, सबसे अच्छा लिखने का तरीका, वह आपको सिखा रहे हैं। बाकी ना लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपने मन से चलो। लेकिन जो हम बता रहे हैं यह सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि एग्जामिनर पेपर लेकर कॉपी नहीं जांचता बेटा,
वह एक बार देख लेता है कि क्वेश्चन पूछा गया है क्या, सीधे वो जवाब दे देगा। वह जवाब केवल देखता है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आंसर आप लिखे रहोगे तो इससे परफेक्शन आता बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा, व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए। दिमाग लगाओ, अरे भाई जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए तो कक्षा में प्रार्थना शुरू हो गई नहीं, और उसके बाद पर्सियन सोल्जर्स नगाड़ा बजाते हुए स्कूल के बगल वाली गली से गुजरने लगे। यह महमल जो है कुछ कहना चाहते थे इस बात पर, लेकिन उनका गला रुक गया। अपने हाथ में चाक लेकर के उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा वी विल ऑफ फ्रांस, ठीक है, और हाथ से इशारा किया कि स्कूल जो है समाप्त होता है। ठीक है, यही आपको लिखना है बेटा। देखिए कैसे लैंग्वेज है बेटा। अकॉर्डिंग टू अल्फांस डाउन द राइटर ऑफ द लेसन द लास्ट लेसन, पाठ का नाम लेखक नाम आपको याद होना चाहिए बेटा, ये स्टाइल है पाठक की। ठीक है, व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 द प्रेयर स्टार्टेड इन द क्लास, प्रार्थना शुरू हो गई पहली बात। आफ्टर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड प्रुशियन सोल्जर्स बिगैन टू पास थ्रू द स्ट्रीट, थ्रू द स्ट्रीट बिसाइड द स्कूल विद ट्रम्पेट्स। ठीक है, एम हेमल वॉन्टेड टू से समथिंग, कुछ कहना चाहते थे, बट हिज वॉइस वॉज चॉक्ड, लेकिन उनका गला क्या होगा रुक गया। सो टेकिंग ए पीस ऑफ इन हिज हैंड एम हेमल रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड एज लार्ज एज ही कुड बी बेल ऑफ फ्रांस एंड डिसमिस द स्कूल, स्कूल को क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। बस इतने चीजें आपको दिमाग में रखने में, अपने आप प्रश्न जो है प्रश्न का उत्तर अच्छे ढंग से लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये कहना है कि यह आज ही आप याद करके अपनी बोर्ड की कॉपी पे लिख डालें, आपकी बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना 100% होगा। थैंक यू।